नमस्ते दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हमारे घर में मृणाल का सपनों की उड़ान का एक छोटा सा मीटिंग है, तो उसी का तैयारी हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। क्रिसमस स्पेशल मीटिंग है तो इसलिए मैं भी लाल लाल पहन ली हूँ। यह समोसे जब सब आ जाएंगे तो ये तब छनाएगा। पर क्रिसमस ट्री रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर सब आंटी लोग बैठ के फोटो क्लिक करवाएंगी। तकरीबन 4 बजे जब सभी मेंबर उपस्थित हो गए तो इन महिलाओं के बीच मीटिंग की शुरुआत हो गई। मीटिंग का मुख्य मुद्दा जाने वाले साल को अलविदा कहना और आने वाले साल को गले लगाना था। सरस्वती पूजा जो इनका मुख्य आयोजन जनवरी 26 को है, उसके बारे में इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और उसके पश्चात काफ़ी मुद्दों पर इनकी आपस में बातचीत हुई और सभी ने अपने अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराया और उसके पश्चात फिर मीटिंग की समाप्ति हो गई। तो इस वक्त मीनालिका सपनों की उड़ान की जो महिलाएं हैं आज क्रिसमस की तैयारी यहां पे कर रही हैं और उनका आयोजन आप देखिए, उनका जो भी आयोजन होता है बड़ा भव्य तौर पे होता है। तो ये देखिए, सब छोटे छोटे बच्चे भी हैं और जितने भी हैं यहाँ पे ये देखिए, और इस वक्त गाना भी गा रहे हैं, उसी में सेल्फी का भी कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे सरनिटी कुछ बोलना चाहेंगे आप? मेरी क्रिसमस टू ऑल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचे रहिए। अच्छा चलिए चलिए, सीमा भाभी भी यहाँ पे हैं, सबको मेरी क्रिसमस। चलिए सारे बच्चों को, और ये हमारे प्रेसिडेंट है हमारे बीच में, मेरी क्रिसमस सबको। चलिए कोरोना, और यहाँ सुधा भाभी हैं, मेरी क्रिसमस। और हमारे कोषाध्यक्ष नीलम सिंह यहाँ पे, सबको स्वस्थ रहे। चलिए तो यहाँ पे टॉफी बांट दो, ये सांता क्लॉज लूट हो रहा है टॉफियों का। चलिए गन्नो ले लो, ये लीजिए रिकॉर्डिंग के लिए। तो इस वक्त देखिए ये सीमा भाभी सबको टॉफियां बांट रही हैं, ये देखिए टॉफी सबको दीजिए, घटना नहीं चाहिए। सांता का लो लो पेपी, मीनू मीनू लो, ये देखिए सीमा गिरी भाभी यहाँ सबको अपनी तरफ से सांता के रूप में टॉफियां बांटते हुए। सांता बन के आई है, टॉफियां बांट रही हैं सबको अपनी तरफ से। लाल रंग की साड़ी में सजी धजी महिलाएं बेहद खूबसूरत लग रही थी और अंत में फोटो सेशन का दौर शुरू हो गया। कभी ग्रुप में कभी सेल्फी लेती हुई महिलाएं बहुत ही आकर्षक लग रही थीं और सेल्फी का ये दौर और फोटो का ये सेशन अंत तक चलता रहा।